और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है, एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है, यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है। और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही।